मैं अपने बाथरूम का काम 3 बार करवा चुका हूँ, इसलिए आप और कोई काम नहीं करवाओ। मुझे अपने बाथरूम पर पूरा यकीन है, वो कभी लीक हो ही नहीं सकता। अय्यर, मुझे लगता है पोपटलाल घर में नहीं होगा, चलो कल बात करते हैं। आत्माराम, पोपटलाल घर में ही है, उसने ये की होल में से हम लोग को देख लिया होगा, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहा है। पोपटलाल यार, भाई ना रुको, मैं अभी नीचे आता हूँ। अरे हाँ, अभी के अभी हाँ, मैं इधर ही रुकता है, जो अब करना है वो कर लेना। ओहो हो, ये राशि भविष्य सच होते जा रहे हैं। आत्मा राम, मैं परेशान हो रहा हूँ। नहीं, क्या करेंगे? नहीं, पर आप तो समझो भाई। अय्यर भाई, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? कविता पोपटलाल हमारे लीकेज के प्रॉब्लम को डाइवर्ट करने के लिए ड्रामा कर रहा है। हाँ अय्यर, पर हमें इस तरह से झगड़ा थोड़ी ना करना है। जीठा जी, मेहता साहब, सोरी भाई, भेड़े भाई, हाथी भाई, आप लोग प्लीज जरा पोपट भाई को शांत कीजिएगा, हमें बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बबीता जी, मैं हूँ ना, और तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। ओके, अहो अब जरा शांति रहना। ये तो शांत से तू पेट लाए, मतलब माहिती है, पण जरा तुम्ही काही बोलू नका। हाँ बोलो अय्यर भाई। हाँ बोलो। हाँ मैं क्या झगड़ा ले क्या कर रहे हो भाई? अरे 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 थोड़ी छोड़, अरे अरे थोड़ी छोड़, मुझे अय्यर में से बात करनी है। तो बात कर। अरे ऐसे कैसे बात करूँ भाई, मुझे नीचे उतर। मुँह से बात करनी है ना, तो उधर मुँह घुमा के बात कर। ऐसे नहीं जमता है, मैं कोशिश करता हूँ। पोपटलाल भाई जाने दो ना भाई, अभी हो गया सो हो गया, भूल जाओ। हाँ शांति से बात करो, वैसे भी आज का दिन भारी है। भाई मेरे लिए कोई दिन भारी नहीं होता है, मैं दूसरों पर भारी पड़ता हूँ। ओए तू किधर भारी है, कितना हल्का है देख। अरे सोनी क्या कर रहा है भाई? ओ बता रहा हूँ तू कितना हल्का है। और एक बार सोनी, और एक बार मजा है ना, ये लो। अरे 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 बहुत हल्का है पोपटलाल तो। अरे क्या, एक और बात, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, बोलो इसको मुझे उतारने के लिए। सोड़ी सोड़ी भाई, अभी उसको नीचे उतारो, ऐसे उछल कूद अच्छी नहीं है भाई, उसको लग जाएगा कहीं। उतारो उतारो, लेकिन उसको पकड़ के रखो, पकड़ के रखो ठीक से। हाँ पोपट भाई, अब साइन हो जाइए प्लीज। हाँ पोपट भाई प्लीज, कूल डाउन। हाँ पोपटलाल पुल डाउन भाई। चेतालाल पुल डाउन नहीं, कूल डाउन। अरे भाई बस करो अभी यार, ये भाषा शुद्धि करना। अरे पर क्या चेतल, तारक चुप रही है ना, अभी शांत हो जाओ पोपटलाल, शांत हो जाओ। ऐसे हिंदी में समझा देने का। भाई जेठालाल मैं कैसे शांति रखूं? अरे बबीता जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जरा बबीता जी का तो मान रखो पोपटलाल। भाई तुमने देखा ना, दिन दहाड़े अय्यर भाई ने पूरी सोसाइटी के सामने मुझ पर हमला किया। हमला? बॉल ने पूरे हमला कर सका, मैं कैसे शांति रख सकता हूँ? फिर तो अच्छा हुआ कि बॉल जो है वो यहाँ लगी। तुमने बॉल फेंक के मारा? उसको गलती से लग गया, अगर यहाँ की जगह मेरे चेहरे पे लगती और मेरी आँख फूट जाती तो। अरे चश्मा पहन रखा है ना, आँख कैसे फूटती? अरे भाई बॉल चश्मे के कांच को लगता, कांच टूट जाता और कांच मेरी आँख के अंदर चला जाता और मेरी आँख फूट जाती, तो एक आँख वाले कुंवारे से कौन शादी करता? दो आँख है फिर भी कौन शादी कर रहा है? अय्यर भाई जबान संभाल के बात कीजिए। बबीता जी, अय्यर क्यों ऐसे बात कर रहे हो? सॉरी पोपट भाई। अय्यर भाई आपने पोपटलाल के घर पे बॉल फेंका क्यों? या पोपटलाल को नीचे बुलाने के लिए? पर अय्यर भाई आपको पोपट भाई को बुलाना था तो बॉल क्यों फेंका, फोन करके बुला लेते। और नहीं तो यहाँ से जोर से भी आवाज लगा सकते हैं, पोपटलाल तो भी आ जाते हैं। या पोपट भाई के घर चले जाते और डोरबेल बजाते या फिर दरवाजा खटखटाते हैं। हाँ तो तुम लोग गए थे ना? हाँ हाँ गए थे बबीता जी, हम लोग गए थे, बात करने ही गए थे इससे, डोर बिल भी बजाई थी लेकिन दरवाजा खोला नहीं इसने। क्यों भाई पापू, अपने घर का दरवाजा क्यों नहीं खोला तूने? वो इसलिए क्योंकि अय्यर भाई हमारे पड़ोसी भिड़े को नहीं, सोसाइटी के एक में वो सेक्रेटरी भिड़े को लेकर आए थे मुझसे लड़ने, और उल्टा सीधा बोल रहे थे। नहीं नहीं नहीं, किसी ने कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला है पोपटलाल, हम लोग झगड़ा करने नहीं आए थे, हम लोग शांति से बात करने आए थे, समझाने आए थे शांति से। हाँ समझाने, तो ऐसे क्या बात हो गई कि पोपटलाल को समझाने की नौबत आ पड़ी? जयरा लाल, ये पोपटलाल के बाथरूम से मेरे बाथरूम में चेहरा पूंजी के जैसा बारिश हो रहा है। चेहरा पूंजी मतलब?
वो एक मस्त रमणीय स्थल है, जाएंगे कभी घूमने? बहुत बारिश होती है उधर, रोमांचिक एकदम ज्यादा। देखिए पोपट भाई, आप प्लीज हमारा प्रॉब्लम जरा समझिए। आपके बाथरूम के लीकेज की वजह से हम अपना बाथरूम प्रॉपरली यूज भी नहीं कर पा रहे, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है पोपट भाई। कितनी बार तुमको बोला लेकिन तुम हमारा प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हो। अरे अय्यर भाई, बबीता जी, मैंने कितनी बार आपको बोला कि मैंने तीन तीन बार अपने हाथों से अपने बाथरूम की टाइल्स में व्हाइट सीमेंट लगाई है, तो प्रॉब्लम आपके बाथरूम की सीलिंग में, उसे एक बार तो रिपेयर करवाइए। देखिए पोपट भाई, समझने की कोशिश कीजिए, लीकेज आपके बाथरूम में है तो रिपेयर आपके बाथरूम में ही करना पड़ेगा। मैं और कितनी बार अपने बाथरूम में रिपेयरिंग करवाऊं? लेकिन पोपट लाल, तुमने प्रॉपरली काम नहीं करवाया है, टाइल्स को निकलवाकर उसको वाटरप्रूफिंग करना पड़ेगा, तब जाकर वो लीकेज खत्म होगा। देखिए अय्यर भाई, बबीता जी, मैं एकदम शांति से सारे सोसाइटी वालों के सामने आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार अपने बाथरूम में खर्चा किया है, अब मैं अपने बाथरूम में और खर्चा नहीं करवा सकता। अरे बस बहुत हो गया अब। पोपड़लाल, जब तक तुम अपने बाथरूम में रिपेयरिंग नहीं कराओगे तब तक तुम्हारा शादी नहीं होगा। क्या बोल दिया अय्यर ने, गए काम से। अगरबत्ती चाँप दी अभी फटाकड़ा फूटेगा। फूटेगा फूटेगा। क्या बोला अय्यर भाई, क्या बोला? छोड़, अरे छोड़ी छोड़। नहीं बापू, चांद अय्यर भाई, आपको मेरी शादी से एतराज क्या? क्या प्रॉब्लम है? आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूं? मैं आपकी दुनिया हिला दूंगा। क्या दुनिया हिलाओगे? दुनिया हिलाओगे? नहीं, मेरे को छोड़ो। अरे तुम मेरी क्या दुनिया हिला दोगे? पत्रकार ने कुछ भी बोला नहीं। नहीं छोड़ो, नहीं पत्रकार ने आपकी आदत लगा दी। शादी में शादी, मेरे को छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो ना। अरे गुस्सा आ रहा है मेरे को। लीकेज की प्रॉब्लम, लीकेज की पत्रकार ने शादी की बात कर, शादी की बात, हमें शादी करने की होगी, हमें होगी शादी की बात बोल रहे हैं। बार क्या बोल रहे हो यार? ये बात शादी नहीं होगी, बात अब क्या? ये सुबह सुबह क्या हंगामा हो रहा है? क्या हुआ क्या? अरे अरे वो बाबू पाओ अय्यर भाई के बाथरूम में लीकेज है। बोल रहे अय्यर भाई के लीकेज के बाथरूम में। अरे चुप रहो, बोलो चुप रहो। एक मिनट, कोई भी एक जन बोलो। हां चाचा जी, मैं बताता हूं। आप मैं बताता हूं। बॉल मेरे पास है, मैं बताता हूं। हैं देखना, अभी बापूजी प्रॉब्लम का हल निकाल देंगे। बापूजी किसके है? देखिए चाचा जी, क्या हुआ, पोपटलाल के बाथरूम में लीकेज हो रहा है बहुत दिन से। एक बात बता पोपट, तुम क्या हो? मैं कुंवारा हूं। अरे ऐसे नहीं भाई, तुम करते क्या हो? सब से झगड़ा। अरे तू चुप बैठना यार, मैंने तुझसे पूछा, तुम बीच में बोल रहे। बबीता जी, हाँ बता पोपट, तुम कौन हो? मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार। और अय्यर, तुम कौन हो? मैं साइंटिस्ट हूँ, कृष्णन अय्यर। मतलब दोनों पढ़े लिखे, जवाबदारी भरा काम करने वाले, देश के समझदार नागरिक, आपस में घर में शांति से बैठ के इस समस्या को सुलझाने के बजाय खुलेआम झगड़ा कर रहे हो। सही बात है, अच्छा लगता है। देखिए ना चाचा जी, अय्यर भाई समझने को तैयार ही नहीं है। समझने की जरूरत तो मेरे को नहीं, तुमको है। अरे क्या तुम्हारे बारे भाई, मैं तीन बार काम करवा चुका हूँ। मैं तीन बार किया मेरे काम, एक बार आया भाई, शादी 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 के बाद आता। अरे फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। अरे शांत हो जाओ बापू जी, शांत रहने को बोल रहे भाई, शांत हो जाओ। गई सब पढ़ाई पानी में, इसीलिए क्या मैंने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। तो बड़े होकर साथ ऐसा बन जाऊं तो नहीं, बड़ा बन जाओ। देख भाई पोपट, भले ही किसी की तकलीफ के जिम्मेदार हम ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान तकलीफ में है तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। चाचा जी, आप तो जानते हैं मैं अकेला रहता हूँ, कभी कभी ऐसे बावरा हो जाता हूँ, दिमाग शांत नहीं रह पाता। अरे भाई, तो दिमाग शांत रखने के लिए योगा करो, ध्यान में बैठो। हाँ पोपटलाल, देखो ऐसे। हाँ ऐसे, ये बराबर। और जरा सोच,
कल उठकर लड़की वाले अगर तेरे बारे में सब लोगों से पूछेंगे तो सब लोग क्या जवाब देंगे? बात है। सॉरी चाचा जी। अच्छा भिड़े, एक बात बता, सोसाइटी के नियम के अनुसार ये काम कैसे होना चाहिए? हाँ बताओ। चाचा जी दरअसल ये दोनों का पर्सनल मैटर है, इसमें सोसाइटी खर्चा नहीं कर सकती। क्या है, दोनों को ऐसे आपस में बैठ के बात करके जो भी वाटर प्रूफिंग का खर्चा होगा वो आधा आधा बांटना चाहिए मेरे हिसाब से। सही बात है। चाचा जी सिर्फ पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। मान लीजिए मैंने बाथरूम का काम शुरू कर दिया, बाथरूम की तोड़ फोड़ कर दी और ठीक उसी वक्त लड़की वाले मुझे देखने आए तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेरा उन पर? फिर से वही बात। चाचा जी अभी आप ही बताइए इसमें क्या लॉजिक है? अय्यर ब्रा इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है। ओ हमारे पंजाब में एक बार खाते पीते घर का लड़का लड़की देखने के लिए गया, वो गलती से उसकी जूती टूट गई, वो लड़की ने मना ही कर दिया कि मैंने इससे शादी नहीं करनी। देखा देखा लॉजिक है कि नहीं? पोपट भाई आप बाथरूम की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर लड़की वाले आएंगे ना तो लड़की से मिलने का प्रोग्राम आप हमारे घर पर करना है। किसी के भी घर कर सकते हैं भाई, सब घर तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। बस पोपट अब ठीक है? हाँ चाचा जी। अच्छा यार एक बात बता, तू आधा खर्चा करने के लिए तैयार है? मैं तैयार है चाचा जी। और पोपट तू? वैसे तो मैं तीन बार मैं खर्चा करवा चुका हूँ, अब और खर्चा करूंगा तो मेरा बजट हिल जाएगा। ठीक कोई बात। अच्छा ये एक काम कर, तू ये पोपट के बाथरूम का काम करवा ले, आधे पैसे मैं दे दूंगा। नहीं 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 चाचा जी आप क्यों मेरे हिस्से का खर्चा देंगे? अरे चिंता मत कर पोपट बेटा। नहीं नहीं मेरे पास पैसे है, मैं अपना हिस्सा दे दूंगा। तू दे मैं दे सब एक ही बात है, मैं दे दूंगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं नहीं चाचा जी मैं पैसे दे दूंगा, वो क्या है ना मैंने वो हनीमून फंड जमा करके रखा है, उसमें से थोड़े निकाल के दे दूंगा। अरे अय्यर भाई बबीता जी। सॉरी बबीता जी, अय्यर भाई आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ हुई। मोहनलाल मैं भी तुमको सॉरी बोलता हूँ, मेरा इंटेंशन तुमको बॉल मारने का नहीं था। हाँ सॉरी पोपट भाई, प्लीज डोंट माइंड। ज्यादा लगा तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, अरे वैसे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, छोटा मोटा लगता रहता है। अरे वाह वाह क्या बात है, क्या बात। देखा बापूजी ने झगड़ा फटाक से साइन कर दिया और अय्यर भाई और पोपट भाई में फिर से दोस्ती हो गई। चाचा जी थैंक यू वेरी मच, आज के मेरे राशि भविष्य में लिखा था कि आज का दिन भारी है लेकिन आपने हल्का कर दिया, थैंक यू वेरी मच। भाभी ऐसा ही है हमारा गोकुलधाम। हाँ बिल्कुल सोनिया सही बात है। हाँ गुस्सा और झगड़ा पल में दूर हो जाता है और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? ओ इसका नाम पोपट लाल नहीं प्रॉब्लम लाल होना चाहिए। अरे सच में प्रॉब्लम है भाई। ओके प्रॉब्लम है? देखिए बाथरूम का काम चल रहा होगा तो मैं नहाऊंगा कहाँ? तो बाथरूम तो बेसिक जरूरत है ना। पोपट लाल तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है, अपनी जो तैयब की विंग है ना डी विंग उसमें एक फ्लैट खाली है, उसके ओनर ने मुझे बोल के रखा है कि जब भी जरूरत हो तो आप यूज कर सकते हैं, तो तुम वहाँ पे बाथरूम यूज कर लेना। अरे वाह फर्स्ट क्लास। हाँ भाई अभी और कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं। तो भाई चलो चलो अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ। चलो हाँ तारक जल्दी घर चलिए, बुक शेल्फ साफ करना है, अब उसके बाद मसालेदार खाना है ना। चलो 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 चलिए यार बहुत देर हो गई। थैंक यू सो मच चाचा जी, आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतनी शांति से सॉल्व कर दिया। थैंक यू सो मच। चलो हाँ भैया आइए यार भाई, आपको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मुझे भी। ये पोपट लाल और हियर भाई दोनों सुबह सुबह कमाल है, दिमाग खराब कर दिया। अच्छा भला शांति से सो रहा था, खामा का तूने मुझे जल्दी जगा दिया। तुझे बहुत मजा आता है ना मुझे जल्दी उठाने में, क्या मिला तुझे? इससे अच्छा मैं शांति से सो रहा होता तो ये झगड़े की काम काम से तो बच गया होता। तो अभी सो जा, पूरा दिन सोने का ही काम कर। नहीं नहीं बापू जी मुझे सोना नहीं है, मैं तो खाली बोल रहा हूँ।
क्या सुबह उठते ही ये झगड़ा, दलीलबाजी, ये सब देख के दिन की शुरुआत एकदम नकारात्मक होती है ना, इसलिए बोल रहा था। इससे तो अच्छा है इंसान सोया रहे। जा, जाके सो जा। हाँ हाँ जा, सच में जा, जाके सो जा। खबरदार जो सोया है तो। नहीं नहीं अभी क्यों सोऊंगा मैं, मैंने तो ब्रश भी कर लिया बापूजी। हाँ चाय भी पी ली है बापूजी। मैं नाना जा रहा हूँ। अच्छा बहू, आज मैं हमारे यंग गोल्ड ग्रुप के साथ गुजराती नाटक देखने जा रहा हूँ। ठीक है बापूजी, अब तैयार हो जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ ठीक। आइए चंपली जी, आइए बापूजी की चमची। क्या जरूरत थी बापूजी को कहने की? हाँ चाय भी पी ली है, चायड़ी बाईड़ी नहीं तो। बापूजी अभी ना। ये क्या? ये पानी इतना धीमा क्यों आ रहा है? अरे दया, अरे दया, 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 बाथरूम में नल गया क्या? टंकू पापा, नल गया क्या ऐसा नहीं पूछते, पानी गया क्या ऐसा पूछते हैं। ये मास्टर यानी सुबह सुबह व्याकरण मत सीखा, जो सवाल पूछा उसका जवाब मालूम हो तो जवाब दे। वो क्या है टप्पू के पापा, बहुत दिनों से हमारे बाथरूम के नल में से पानी बहुत धीरे धीरे आ रहा है। 8 बजे पानी भरने के लिए रखती हूँ ना, तो 6:30 बजे पूरी बाल्टी भरती है, और आज तो काम में बाल्टी रखना ही भूल गई। क्यों इतना धीरे धीरे पानी क्यों आ रहा है? क्या पता, अब्दुल को पूछता हूँ। फोन का है? हाँ अब्दुल। अरे भाई बाथरूम के नल में पानी एकदम बहुत धीरे धीरे आ रहा है, जरा देखना भाई आके क्या प्रॉब्लम है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, अरे भाई तू आराम से अपनी खरीदी कर मार्केट में, कोई जल्दी आने की जरूरत नहीं, मैं भिड़े को पूछता हूँ। ओके हाँ ठीक है। हाँ भाई तू तो अभी तक लाया नहीं है, वापस हो गया था क्या? नहीं नहीं बापू जी, मैं नहाने गया लेकिन बाथरूम के नल में पानी एकदम धीरे धीरे आ रहा है। हाँ, हाँ बापू जी। ओ, आज दुकान जाना कैंसिल? नहीं नहीं, मैं वो भिड़े को पूछने जा रहा था कि क्या आज कुछ पानी का प्रॉब्लम है, क्यों इतना धीरे पानी आ रहा है। कहाँ, भिड़े के घर पे? नहीं मैं जा रहा था बालकनी में, लेकिन आप बोलो तो उसका घर जाके पूछ के आता हूँ। बालकनी में ठीक रहेगा। बापूजी आप बैठिए, मैं चाय लेकर आई। वाह 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 वाह, गरमा गरम मसालेदार चहा। तुला सांगतो माधवी, ये सेक्रेटरी होना आसान काम नहीं है, और हर एक के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ओ खरा है, और इस सेक्रेटरी पद के लिए तो कोई पढ़ाई भी नहीं होती, सिर्फ टैलेंटेड लोग सेक्रेटरी बन सकते हैं। और आप टैलेंटेड भी हो और भाग्यशाली भी। अरे डोमला तो भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली बोलो का? अरे का है माधवी, सेक्रेटरी को सिर्फ सोसाइटी की जिम्मेदारी नहीं होती, जब ऐसे झगड़े होते हैं ना तो उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, बिना मतलब का टेंशन हो जाता है, और ऊपर से आज का दिन भारी है। है नहीं? हाँ चाचा जी ने पूरा मामला शांत करके आपका दिन एकदम हल्का कर दिया है। तो रिलैक्स हो जाइए और चाय पीजिए। अरे भिड़े, ओके भाई, जेठा भाई क्यों बुला रहे अभी? देखा, रिलैक्स होना मेरे नसीब में ही नहीं। अरे भिड़े आओ, जाइए देखिए क्या कह रहे हैं। जेठालाल आवाज दे रहा है ना माधवी, मतलब कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा। अरे भिड़े अब जान, खामखा उनको यहाँ आना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा मैं ही जाता हूँ। हेलो, बोला था ना आज का दिन भारी है और दिन अभी बाकी है मेरे दोस्त। भारी भारी भारी, आज भिड़े का दिन सचमुच बड़ा भारी होने वाला,
भाई पोपटलाल और अय्यर का झगड़ा बमुश्किल खत्म हुआ था कि यहाँ पे जेठालाल के घर में पानी कम आ रहा। पर आप मेरे मित्र जेठालाल को जानते हैं कि अगर घर में पानी कम आएगा तो वो भिड़े पे मूसलाधार बारिश की तरह बरसने वाला। अब देखना यह है कि कम आता पानी जेठालाल को क्या क्या करने पे मजबूर करता है, कितने हंगामे होते हैं गोकुलधाम सोसाइटी में और हम गोकुलधाम वालों का क्या हाल होता है। भाई आपने सुना है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसी जैसा। हंसी का रंग भी ऐसा ही है, तो जीवन के हर क्षण में हंसी का रंग मिलाइए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। क्या है तुम्हारे बाथरूम के अंदर का जो पाइप है ना, उसमें कचरा अटक गया होगा इसलिए पानी स्लो आ रहा है, वो कचरा निकाल दो तो पानी आ जाएगा फास्ट। हाँ, एक बार हमारे बाथरूम में भी ऐसे ही हुआ था, तो इन्होंने क्या किया, वो पूरा नल खोला, उसमें वो तार डाल के पूरा कचरा बाहर निकाल लिया, तो मस्त पानी का फ्लो आ रहा था, मतलब उससे भी ज्यादा वो की नहीं काय कर सकती बोल रही थी। वाह वाह भिड़ा, तुझे आता है ना, तो आ जा आ जा आ जा, जरा आके हमारा भी वो बाथरूम का पाइप जरा साफ कर देना प्लीज भाई प्लीज। थैंक यू।